नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी, वेलकम टू वाइस स्टॉक रिसर्च। सो ट्रेडर्स, आज मार्केट ने एक साइडवेज सेशन दिया है। दो दिन से एक अच्छे खासे गैप्स में ट्रैवल कर रही थी, आज भी डिप का ही प्लान था, बट मार्केट ने फिर कोई प्राइस एक्शन कुछ खास बनाया नहीं, साइडवेज हो गई। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विक्स क्रैश हो गया है, अपने ऑलमोस्ट एट मोस्ट लोज पे चल रहा है। ऑन एन एवरेज का लो कुछ 9.5 के अराउंड है और अभी ये 10.19 के पास चल रहा है। अब ये जनरली तब होता है जब मार्केट काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट करके बैठी होती है या फिर कोई टर्न अराउंड होने वाला होता है और उससे पहले मार्केट का एक बेस बन जाता है और फिर वहाँ से मार्केट जंप लेती है। तो अगर मैं विक्स का आपको चार्ट दिखाऊं और डेली का अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इधर विक्स जस्ट अपने लोज पे है। अब मैं अगर इसको वीकली चार्ट कर देता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपने लोज पे है। आखिरी जो ये लो पे ऑलमोस्ट अपने लोज के पास आया था 9.17 समथिंग, तो ये आप देख सकते हैं 22 मई के अराउंड और इस जोन के पास ही अपने लोज पे रहा था और नवंबर से एक रैली शुरू हुई थी ऊपर, इफ़ यू रिमेंबर। ओके, रैली शुरू हुई थी पीएसयू बैंक्स में और सब में, और मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दिया था, 17-18 तक विक्स किया था। फिर एकदम से आपका जो इवेंट हुआ था, हमारा बजट हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक फॉल दे दिया, राइट। और अब मार्केट दोबारा से लोज पे आ गई है, इसका मतलब कि अब यहाँ पर मार्केट क्या बेस बना रही है, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के बाद थोड़ा सा डिलेड है, तो मे बी जो मूव भी आना है वो थोड़ा सा डिलेड है, तो चांसेस हैं कि दोबारा से मार्केट विक्स ऊपर जाएगा, और विक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में फिर से एक रैली के चांसेस हैं। ओके, ये बस एक थ्योरी है जो मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब नहीं आप जाके कल बाय कर लो, सेल कर लो, ऑब्वियसली नॉट, पूरी सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, गैप्स में ट्रैवल कर रही है, कल भी गैप्स में था, आज भी गैप्स में था, आज क्या हुआ है, मार्केट ने गैप अप किया बट उसके बाद नीचे आ गई और फिर अपने टॉप तक नहीं जा पाई थी, वहीं घूमती रह गई और अपने लो, अपने प्रीवियस डे हाई के पास जाके इसने बेस बनाया और वहाँ पर जाके सेट हो गई है। ओके, तो अब एक बार हम काम करते हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली चीज़, अब अगर मैं आपसे एक लेमैन की तरह पूछूं कि भाई आपको चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या आप यहाँ पर बोल सकते हो कि अब यहाँ से मैं शॉर्ट बनाऊंगा, मार्केट अब नीचे गिरने वाली है, कहीं से आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं? यहाँ पर आप देखिए प्राइस क्या कर रही है, लोअर हाइज बना रही है, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, एक इम्पैक्ट बनाया है और रेज ऑफ कर दिया, जितने भी इन प्लेयर्स को था उनको हटा दिया। और अगर आप देखेंगे जहाँ पर इंजेक्शन आया है, इंजेक्शन, एक सेकेंड, ये जो इंजेक्शन वाला लेवल है वो कहीं इधर आता है, ठीक है, इस जोन के पास आता है इंजेक्शन लेवल, और जो टॉप का लेवल है वो यहाँ पर आता है जहाँ पर आज प्राइस ने अटेम्प्ट मारने की कोशिश की गैप अप में। एक्सपेक्टेड था कि प्राइस थोड़े नीचे तक आए, सपोर्ट ले एंड देन ऊपर जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको टेस्ट कर सकती थी जैसे कल किया था, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइस साइडवेज हो गई और प्राइस घूमने लगे, ये होता है जनरली नॉर्मल मार्केट्स में, नॉर्मल है। तो मैंने आज को ट्रेड नहीं लिया, मैं आज लाइव भी आया था आप लोगों के साथ, अराउंड 1:50 तक बैठा भी था मैं, बट कोई ट्रेड नहीं आया था, एक ट्रेड था 11:05 पे जो मेरा मिस हुआ था, उसके बाद मैंने हाथ पैर नहीं मारा, वो समवॉट इस रेंज के पास था जहाँ पर मार्केटिंग अच्छा मूव दिया था, उसके बाद सब साइडवेज ही था, तो मैंने कोई मूव नहीं लिया। ओवर ट्रेडिंग करने का फ़ायदा नहीं है, सेल बनाया नहीं बिकॉज डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड करने का पॉइंट नहीं है जब तक मुझे डायरेक्शन क्लियर नहीं करता कि हाँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज़ मैं एक कॉमन आपको चीज़ समझा देता हूँ, हम लोग कहाँ पर हैं अभी, एक रेंज के अंदर हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्लियर। अब समझो इस चीज़ को, कल अगर प्राइस टूटती है, पुल बैक देती है और नीचे निकलती है, तो ये क्लियर साइन है कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस में एक सेल आ रहा है। ओके, तो हम पहले 5 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वही 9:45-10 तक हम रुकेंगे, मार्केट को ब्रेक लेने देंगे, पुल बैक आने देंगे और दोबारा से ब्रेक लेने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो प्राइस ऐसे नीचे गिरेगी या फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर निकलेगी, तो ये हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले मूव के अंदर जितने भी इंपेशेंट लोग हैं उन्हें कटने दो, मरने दो, हम लोग दिमाग लगा के 10:30 तक अपनी एंट्रीज बनाएंगे, जो मैं आप हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ। तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन है रेंज के ऊपर, रेंज के ऊपर प्राइस जाती है, रुकती है, फिर निकलती है, तो हम यहाँ पर बाय प्लान बनाएंगे। सबसे ऑब्वियस प्लान्स हैं जिस पे हम लोग देखने वाले हैं, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पे। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्या है कि यार अगर प्राइस इस रेंज के अंदर खुली तो क्या करना है, अगर प्राइस इसके अंदर खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, तो क्या करना है, तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। अभी प्राइस ने भले ही टॉप से लेके यहाँ तक फॉल दिया है बट नीचे कंटिन्यूएशन नहीं दिए, तो इस टाइम पे फॉर डिफॉल्ट हम लोग अभी फ़ायदा किसको देंगे, हम बायर्स को देंगे, एडवांटेज बायर्स को देंगे कि बायर्स अभी कंट्रोल में है, क्लियर इतनी बात, क्योंकि सेलर्स एडवांटेज नहीं ले पाए हैं
गैप अप हुआ था और जहां पर कल मार्केट क्लोज हुई थी उसके आसपास ही बंद हुआ है, तो ऐसा कुछ बायर्स को नुकसान नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो गया। तो अब अगर कल प्राइस यहाँ खुलती है तो आई वुड वेट फॉर अ डिप, ये सबसे पहला गेम होगा मेरा जहाँ पर मैं बाय प्लान करूँगा। क्लियर इतनी बात। और अगर प्राइस ऊपर खुलती है तो मैं प्राइस को पहले ऊपर जाने दूंगा, रुकने दूंगा और फिर ब्रेकआउट देने की वेट करूंगा, तब मैं बाय प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जोन पे मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस दिखाया था, ठीक है। और अगर लोअर की हम बात करें, लोअर पे सपोर्ट्स कहाँ पर बन रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, अगर आप, मैं इस जोन को मार्क करूँ, ये जो जोन है आपका, ये एरिया जो है ये समवॉट आपका एक रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट लिया है यहाँ पर, इसके ऊपर क्लोज दिया। तो अगर अब जोन यहाँ आता है और अपना बाय पोजीशन बनती है तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे, प्राइस अगर इसके नीचे जाती है, रुकती है, फिर निकलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। इतना सिंपल है ये, तो उसको प्लीज़ कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। और टॉप के ऊपर हमारा क्या सिचुएशन है, टॉप के ऊपर हमारी सिचुएशन है ये, तो ऐसे ले लेते हैं इसको। तो कल अगर प्राइस क्या करती है, प्राइस कल अगर इसके ऊपर जाती है, घूमती है, ऊपर निकलती है, तो सिंपल बाय करेंगे हम लोग। और अगर एक एक्सेप्शन क्या रहेगा कि अगर प्राइस यहाँ पर जाती है, घूमती है, तो अगर बहुत फटाफट हो रहा है ये सब, रिजेक्शन हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है, तो यहाँ पर मे बी हम सेल के बारे में सोचेंगे। बट ये मार्केट में अपना प्लान करेंगे इस चीज़ को। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सारी गेम प्लान है वो बाय की है, मैं बहुत क्लियर हूँ। और ये वाली जो सिचुएशन होती है ये सेल की भी है, अगर रेंज ब्रेक होता है और कंटिन्यूशन होता है पुल बैक के फेलियर के बाद। क्लियर? तो आप लोगों को पहले घंटा ट्रेड नहीं करना, आपको मार्केट को समझना है, देखना है मार्केट क्या कर रही है। तो आई होप प्लान इस हिसाब से आपको क्लियर हो गया है। क्लियर बात, ठीक है। अब एक बार ना मैं आपको आज की एक बार मूवमेंट बता देता हूँ कि मैं क्या प्लान कर रहा था, और मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट अगर गिरती है, फॉल आता है, तो हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि प्राइस ने लोअर लो बनाया है, तो ट्रेड यहाँ पर चक इट कर दिया। उसके बाद प्राइस क्या वापस नीचे आई है, कहाँ पर आ गई, रेंज के पास आ गई, प्रीवियस डे हाई के जोन के पास आ गई है, इस जोन के पास आ गई है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने डिप मारी, ऊपर गया, और यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, हायर लो पैटर्न बना रही है। तो क्लियरली इस जोन के पास एक क्या हो गया, अपना बाय प्लान हो गया। एंड ये और ये जोन टारगेट्स अपने हो सकते थे, ये हिट हुआ है, ये हिट नहीं हुआ है, मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ये एंट्री मेरी मिस हो गई थी। सेकेंड एंट्री यहाँ पर आई थी, बट इधर मुझे कन्विक्शन इतना था नहीं, मुझे फीलिंग आ रही थी साइडवेज जाएगी मार्केट, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन है, एक जोन ले चुकी है। अगर ये चीज़ यहाँ बनी होती तो मैं प्लान करता, बट ये चीज़ इधर बनी है एक अटेम्प्ट के बाद, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता था, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। फिर मार्केट साइडवेज हो गई, इसके बाद फिर मुझे जाना पड़ा, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। तो ये मेरी कहानी थी आज की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली शॉर्ट पे आता हूँ, तो लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम है, बट फ़र्क ये है, निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे रेंज के अंदर अभी जस्ट एंट्री की है, अंदर एकदम से स्टे नहीं किया है, इसने स्टे कर लिया है। तो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं आपको, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया है। देखिए, ये रहा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे जो सपोर्ट जोन है वो समवॉट आता है ये, ठीक है जी। तो ये मैंने आपके लिए जोन्स मार्क कर दिए, अब हमारा प्लान इसी के हिसाब से बनेगा। तो आप सिमिलर पैटर्न है, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों सिमिलर पैटर्न बने हैं। तो प्राइस ने क्या किया, ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया, उसके बाद घूमती रही, नीचे आई, घूमती रही, कोई भी नीचे कंटिन्यूशन नहीं दी इसने, क्लियर है। बट ये है कि ये जो प्रीवियस डे रेंज के अंदर इसने एंट्री ले ली है, उसी में घूमती रही है, लो नहीं तोड़ा है। तो अभी तक जो एडवांटेज आप दो तीन दिन से नोट कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि प्राइस ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, प्रीवियस डे इसका लो नहीं तोड़ रहा, मतलब प्रीवियस डे इसका लो नहीं तोड़ रहा। यहाँ पर भी क्या एडवांटेज है, क्लोज यहाँ पर हुआ है, ये लो नहीं तोड़ा है इसने, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि दिस इज़ गुड इनफ, कोई टेंशन नहीं है, सब सही है। तो अब हमारा प्लान कैसे रहेगा, हमारा प्लान रहेगा कि अगर अपने कोई 800 तक डिप मिलती है, हायर लो पैटर्न बनता है इधर, तो हम लोग यहाँ पर एक बाय प्लान करेंगे, या फिर अगर एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आता है और रिकवर देता है, तो यहाँ पर तो भी बाय प्लान होगा, बिकॉज ये एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन पे अपने को कुछ यहाँ पर एक बायर्स आने चाहिए और फिर मार्केट में भी ऊपर की तरफ निकले। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप ऊपर की रेंज देखेंगे, अगर प्राइस गैप अप करती है या फिर यहीं से ऊपर निकलती है, तो उसको पहले सस्टेन करने देना, उसके बाद हम लोग बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार, ऑलमोस्ट आठ बार इस जोन से रिजेक्शन हो गया, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि डायरेक्ट क्लोज पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। हमें एंट्री लेनी कब है, जब प्राइस थोड़ा सा घूमे और फिर ब्रेकआउट दे, ओनली देन वी विल टेक एन एंट्री। क्लियर इतनी बात। तो अब नेक्स्ट प्लान, अभी बार प्लान समझ लो आप, प्राइस आती है हम लोग बाय करेंगे,
प्राइस ऊपर जाती है, घूमती है, ऊपर निकलती है, हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस नीचे आती है, ऐसे करती है, नीचे निकलती है, तो हम लोग सेल करेंगे। क्लियर बात? ये अपने प्लान्स हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कोई प्लान्स आप ट्रेड मत करिए। आई गेस यू विल बी मच सेफर एंड आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। ऑलराइट, सो ये हो गए हमारे प्लान्स। कल भी मैं लाइव आऊँगा गाइस, ओके। तो कल अगर मुझे 10 साढ़े 10 तक कोई ट्रेड नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ा जल्दी लाइव आ जाऊँगा, नहीं तो वही 11 साढ़े 11 के बीच में मैं लाइव आने वाला हूँ। मेक श्योर आप लाइव आके देखिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा वहाँ पर। एंड अगर आप हमारे कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो ये मेरा कोर्स है, यहाँ पर मैंने ट्रायल क्लास दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इस चीज़ का, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। मेक श्योर आप कूपन ज़रूर लगाइएगा। इस कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों से ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप ऑक्शन प्रोसेस, प्राइस एक्शन ढंग से सीखना चाहते हैं, आप पैटर्न्स जानना चाहते हैं, तो मार्केट में एक पैटर्न्स बनते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से जो भी सारे पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, ओपन कैसे होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि आप उसको ट्रेड कर सकें, कब कितना रिस्क करना है, कब नहीं करना, ट्रेंडिंग में क्या करना है, साइडवेज में क्या करना है, रेंज बाउंड में क्या करना है, बाउंस एंड गो में किस तरीके से ट्रेड करना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। 1 ट्रेड पर डे वाला सिस्टम यहाँ पर शेयर किया गया है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। अभी तक जो टोटल क्लासेस आ गई हैं वो 5 क्लासेस आ गई हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 5 क्लासेस आ गई हैं अभी तक। अभी यहाँ पर कुछ 3-4 क्लासेस और आनी हैं, तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। एंड ट्रायल क्लास यहाँ पर मैंने दे रखी है, तो आप जाके देख लीजिएगा इस चीज़ को, तो आपको हेल्प होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग खरीद सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा गेम प्लान। अब इसको विजुलाइज ज़रूर करिएगा कल मार्केट ओपन होने से पहले, जिससे आप लोगों को असिस्टेंस मिले। एंड मेक श्योर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे जब हम लाइव आएँ हम आपको अलर्ट दें, तो आप आ सकें, या फिर मार्केट के बीच में कोई अपडेट हो या कुछ हो तो आप उसको ना भूलें। आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।